सो हेलो एवरीवन एंड नमस्कार। तो यार रिसेंटली जो मैंने वीडियो बनाई थी ना कैमरा वाले भैया पे, यार उस पर इतना सही रिस्पांस मिला ना मैं बता नहीं सकता हूँ। सो थैंक यू सो मच। तो आज की वीडियो ना उसी सीरीज़ की एक फॉलो अप वीडियो होने वाली है। आज की इस वीडियो में आपसे एक और यूनिक से कॉन्टेंट क्रिएटर के बारे में बात करने वाला हूँ। तो आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ दिल्ली का लड़का एक जॉयस दास के बारे में। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं 3 पॉइंट्स को डिस्कस करने वाला हूँ जो मुझे लगता है कि यार दिल्ली का लड़का की चैन की ग्रोथ के पीछे के रीजन्स हैं। और देखा जस्ट अ क्विक नोट, आई एम नॉट श्योर कि यही रीज़न हो सकते हैं या नहीं, ये मेरे पर्सनल ओपिनियंस है जो मुझे लगता है कि यार यही पॉइंट्स हो सकते हैं उनकी चैनल की ग्रोथ के। सो विद दिस बीइंग सेड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो पहला पॉइंट जो मुझे उनकी ग्रोथ का लगा वो ये है कि यार उनकी वीडियोस को देख के ना अपना पल सा फील होता है। मतलब यार उनकी वीडियोस को देख के ऐसा फील नहीं होता कि यार ये बंदा ना ऐसे ही मतलब फेक सा एक्सेंट लगा रहा है या फिर ये बंदा फेक है। ऐसा फील होता है कि हाँ यार ये बंदा जेन्युइन है। देखिए यार, अब लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। अब उनकी वीडियोस को मतलब जब हम देखते हैं तो यार उनका ना कोई एक फैंसी सेटअप है, ना उनकी मतलब लाइटनिंग ज़्यादा कोई वो एक्सपेंसिव सी होती है। यार जैसे होता है ना कि दूसरे लोग अपने सेटअप पे बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, उस पर मतलब बहुत सी लाइटिंग लगाते हैं एंड ऑल, वो वीडियो के सामने मतलब कुछ और बनते हैं और रियल लाइफ में कुछ और बनते हैं। तो ऐसा दिल्ली का लड़का के केस में बिल्कुल भी नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि यार जो भी मतलब वो वीडियोस में होते हैं ना वही बंदा ये रियल लाइफ में। और ये मुझे लगता है कि यार उनकी ग्रोथ का एक रीज़न है। अब यार उनके जैसे सेटअप की बात करते हैं, यार वो अपने रूम में वीडियोस बनाते हैं, रूम भी मतलब कुछ ऐसा ज़्यादा खास नहीं है सच कहूँ तो। मतलब कि यार जैसा एक मिडिल क्लास फैमिली के घर का रूम होता है बस वैसा ही उनका रूम है। ना उसमें कोई फैंसी लाइटिंग है ना कुछ और, सिंपल सा वो रूम है और बस उसमें वो वीडियोस बनाते हैं। तो मुझे औरों का तो नहीं पता ना, पर यार पर्सनली मुझे मतलब उनकी वीडियोस को देख के यार बहुत सही फील होता है। मतलब ऐसा लगता है कि यार हाँ कि ये चीज़ें ज़्यादा मैटर नहीं करती और कोई बंदा कहीं से भी वीडियोस बना सकता है और ग्रो कर सकता है। तो पहला रीज़न मुझे ये लगा उनकी ग्रोथ का, यार वो एक ऑथेंटिक वाइब लेके आते हैं अपनी वीडियोस में। वो मतलब बिल्कुल ऑथेंटिक से होते हैं, जेन्युइन पर्सन बनते हैं वो वीडियोस में भी। अनदर रीज़न जो उनकी ग्रोथ का मुझे लगा वो ये है कि यार उनकी जो भी वीडियोस होती है ना वो एंटरटेनमेंट के साथ साथ इन्फॉर्मेटिव भी होती है। वो मतलब अपनी वीडियोस में ना एंटरटेनमेंट तो वो करते ही हैं, पर वो उसके साथ में हमें बहुत कुछ सिखाते भी हैं। जैसे उनकी इस वीडियो की बात करते हैं, इसमें उन्होंने हमें एंटरटेन तो किया ही अपने ग्राफिक के साथ, अपने वो ग्राफिक्स की टेक्निक के साथ हमें एंटरटेन तो किया ही, पर इसके साथ उन्होंने हमें ये भी सिखाया कि आप कैसे अपने एक पुराने से पीसी पे, अपने लुक्स पैक्स वाले पीसी पे एडोबी प्रीमियर प्रो को रन कर सकते हो, वो भी बिल्कुल स्मूथली। इन्होंने ना दो नीशेस को मिक्स किया। अब इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है टेक बर्नर का। यार उनकी वीडियोस जब भी देखते हैं तो बहुत सही फील होता है। मतलब वो भी एंटरटेनमेंट प्लस इन्फॉर्मेशन को मिला के वीडियोस बनाते हैं। और यही सीन मुझे दिल्ली का लड़का की वीडियोस को देख के लगा कि यार वो भी अपनी वीडियोस में ना इन्फॉर्मेशन के साथ साथ एंटरटेनमेंट को भी ऐड करते हैं। सो ये एक अनदर रीज़न है जो मुझे उनकी ग्रोथ का लगा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो आपको भी ये लगता है या नहीं। थर्ड पॉइंट इज़ कि यार उन्होंने ना प्लेटफॉर्म पे कुछ नया लाया। जैसे मैंने कैमरा वाले भैया के बारे में बात की थी ना कि उन्होंने अपनी वीडियोस में एक अलग लेवल की वो उसमें फुटेज लेके आए, उनकी जो भी स्टोरी टेलिंग स्किल्स थी वो लाजवाब थी, तो उन्होंने ना कुछ नया प्लेटफॉर्म पे लाया। अब वैसे ही जॉयस भाई ने भी अपने वीडियोस के थ्रू कुछ नया प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश की है। वो इन ग्राफिक्स की हेल्प से अपनी मतलब ग्राफिक टेक्निक्स को यूज़ करके, अपनी VFX को यूज़ करके यार उन्होंने ना प्लेटफॉर्म पे कुछ नया लाया है जो व्यूअर्स को नया लगा और उन्हें ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो अनदर रीज़न जो उनकी ग्रोथ का मुझे लगा वो ये है कि यार उन्होंने ना प्लेटफॉर्म पे कुछ नया लाया है। सो दिस आर सम पॉइंट्स जो मुझे लगता है कि जॉयस भाई की चैनल की ग्रोथ के रीजन से। लेट मी नो द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको क्या लगता है, और कुछ ऐसा पॉइंट हो जो मैंने मिस कर दिया हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वी वुड ऑल लव टू हियर इट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।